MCB है, और आपने बहुत सारे मॉडल देखे होंगे ऑनलाइन अमेज़न पर या फ्लिपकार्ट पर कि 1 लीटर वाटर गीजर आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कैसा है, सबसे पहले हम जो है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर आपको इसके साइलेंट फीचर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाटर हीटर जो है मुझे 1500 रुपए के आसपास पड़ा था, बिना एमसीबी के जो है आपको 1000 के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसको खोल कर देखते हैं कि सेलर ने हमें क्या भेजा इस बॉक्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट का बॉक्स है वो आ गया है। तो चलिए इसको भी हम बाहर निकाल कर देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट लुक हमारे प्रोडक्ट का, तो पोर्टेबल गीजर आप कह सकते हैं, इंस्टेंट हॉट वाटर। और फ्रेंड्स, ये जो हमने खरीदा है वो है CSI इंटरनेशनल ब्रांड का है, और हम वीडियो के नीचे लिंक डाल देंगे, और अगर आपको ये पसंद हो तो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। पावर कंजम्पशन जो है 3 वाट है, और टाइप जो है पोर्टेबल है। प्राइस जो है 4000 रखा हुआ है, पर ये आपको आसानी से 1500 का मिल जाएगा। इसमें जो आपको 1 ईयर की वारंटी मिल रही है। तो चलिए फ्रेंड, इस बॉक्स के हम सील काट कर देखते हैं कि इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट कैसा है। फर्स्ट टाइम जो है हम चेक कर रहे हैं, तो बॉक्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा आपके सामने दिख रहा है, 1 लीटर इसके वाटर टैंक कैपेसिटी है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है अपना वाटर गीजर आउट ऑफ बॉक्स निकाल लिया है, तो हमारा जो है मेन यूनिट तो ये हो गई है, और इसके साथ जो है एक प्रकार का 1.5 मीटर के आसपास जो है ये वाटर हाउस कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं, एक प्रकार का कनेक्टर या निप्पल आप कह सकते हैं, और एक वारंटी कार्ड है जो कि अनफील्ड है, खाली है बिल्कुल। तो चलिए इसको हम आउट ऑफ रैपर निकालते हैं। फ्रेंड्स, ऑनेस्ट रिव्यू के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सेलर हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्री रिव्यू के लिए। फ्रेंड्स, ये हमारा इंस्टेंट वाटर गीजर जो है आउट ऑफ रैपर निकल गया है। फर्स्ट लुक की बात करें तो ठीक ठाक ही है, पैसा वसूल प्रोडक्ट है, मतलब जितना पैसा मैंने पे किया है उस हिसाब से ठीक ठाक है, पर इतना बढ़िया नहीं है। मैंने बाजार में जो है 1000 का वाटर गीजर देखा था बिल्कुल ऐसा, उसकी बिल्ड क्वालिटी तो इससे कई गुना बेकार थी, मतलब ये इतना बेकार भी नहीं है पर एवरेज है। और अगर आप इसका प्लास्टिक देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक है, आसानी से मेल्ट नहीं होगा, आसानी से खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसमें सबसे अच्छी बात जो है, इसमें हैवल्स का MCB यूज किया गया है, और हैवल्स का जो MCB है वो काफी अच्छा है। तो आपने जो है इसको मोस्टली ऑन करके रखना है, मतलब ऑन ऑफ का काम जो है अपने मेन बटन से करना है, इसको आपने मोस्टली ऑन रखना है। और फ्रेंड्स, कैसे ये फंक्शन करेगा, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। आप ये 2 होल्स देख रहे हैं, अपने बाथरूम की दीवार हो या किचन में, आप 2 होल्स करके इसको टांगना है, मतलब स्क्रू लगा के टांगना है, और यहाँ से तो आपका पानी जाएगा, मतलब इनलेट पानी यहाँ से आएगा और गर्म पानी आपका यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट पाइप लग जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये सर्दी में जो है हमारे पाइप जो है काफ़ी हार्ड हो रहे हैं, और इसमें आसानी से तो नहीं घुसेगा, मतलब या तो इसको हमें गर्म करना पड़ेगा या किसी प्रकार का कनेक्टर लगाना पड़ेगा। इसको हम किसी एक्सपर्ट से ही फिटिंग कराएंगे और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है आफ्टर फिटिंग। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो वापिस किया हुआ है, मतलब जगह जगह जो है फिंगरप्रिंट्स निशान है, और सेलर ने जो है ये निशान को साफ करने की मेहनत भी नहीं करी, मतलब डायरेक्ट ही पैक करके भेज दिया। बाकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, लुक वाइज जो है मुझे काफ़ी पसंद आया है, कमी इसमें कुछ भी नहीं लग रही है, बस आफ्टर यूज ही मैं आपको फाइनल रिव्यू दे सकूंगा। नहीं तो आप जो है आजकल बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जो है वाटर हीटर रोड भी आते हैं, जिसका रिव्यू हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो वाटर हीटर रोड में जो है आपको पानी गर्म करने के लिए छोटे छोटे मग में जो है वो भी आती है, तो आप इनका डेमो आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। ये हम अपना मिनी वाटर गीजर जो है लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मार्किंग की है, बस यहाँ पर 2 ड्रिल करके किट्टी लगाएंगे। तो ये हमारा
आईमैक्स ब्रांड का जो है डील हम्बर है, तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। हम इसका भी लिंक वीडियो के नीचे डाल देंगे। कितने वाट लेता है? 600 वाट का है आईमैक्स का हम्बर ड्रिल मशीन। तो ये देखिए हम गिट्टी लगा रहे हैं, तो जो हमने दीवार में ड्रिल किया है तो ये हमारा थोड़ा सा टूट गया है, जो हमारा जो टाइल्स है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम इसमें लगा रहे हैं, तो ऊपर एक वॉशर लगा रहे हैं। तो अगर आपको इसको खोलना है तो जो स्क्रू है इसको खोलना पड़ेगा। कितने इंची है ये पेज? 1.5 इंची पेज होना चाहिए। 2 इंची पेज लगा रहे हैं, तो आप चाहो तो 1.5 इंची भी लगा सकते हैं। ये हम टाइट कर रहे हैं, तो हम वीडियो के नीचे जो है स्क्रू ड्राइवर का लिंक भी डाल देंगे। अगर आपको ऑनलाइन मंगवाना हो तो स्क्रू ड्राइवर आपको ऑनलाइन अमेज़न पर मिल जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारा जो वो है भैया, इससे नहीं होगा, तो बड़ा ही कर लो, तो ढील मार के ना पहले ढीला कर लो इसको। वैसे डायरेक्ट लगा रहे हैं तो इसमें हम निकाल भी पाएंगे। ये देखिए कैसे आपने ये अपना जो है इंस्टेंट वाटर गीजर टांगना है, ये टंग गया है। और आप चाहो तो जब आपको जरूरत नहीं है आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो चलिए अब जो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हमारा पानी जो है यहाँ से जाएगा, ठंडा पानी, और यहाँ से गर्म आएगा। तो चलिए कैसे लगाना है। देखिए हमने इसको कनेक्शन जोड़ दिया, एक बार चला के देखें क्या ऑन हो रहा है कि नहीं। इसको हम लगा के देख रहे हैं। इसको चलाने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है कि टैप खोल के इसमें पहले पानी से इसको भर देना है। तो जितने भी जो हमारी वाटर रोड होती है उसमें भी यही प्रिंसिपल होता है कि बिना पानी के कुछ नहीं चलाना होता, और जितना फ्लो कम रखोगे उतना पानी ज़्यादा गर्म आएगा। तो अब ऑन कर दे भाई साहब। तो ये देखिए यहाँ से हमने पहले से हैवल का ऑन कर रखा है, अब सीधा मेन बटन दबाना है और भगवान बचाए हमको कोई झटका ना मारे। झटका तो नहीं लगेगा, फट तो नहीं जाएगा। तो हमने ऑन कर दिया है, और हमारा जो बाथरूम है उसमें हमने पहले से ही 25 लीटर का वाटर गीजर लगा रखा है। पर घर वाले कहते हैं कि भैया उनको पानी चाहिए फटाफट, इंस्टेंट गर्म चाहिए। तो फिर हमने सोचा ये छोटा सा 1100 वाटर गीजर लगा दें, पर पानी तो बहुत ही कोसा आ रहा भाई इसे मेरे। तो देखते हैं, ये जो बिजली कंज्यूम करता है वो है 3 किलोवाट, और हम कोशिश करेंगे कि कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसका भी आपको डेमो देंगे। तो आप चाहो तो बिना ये MCB वाला भी ले सकते हैं। बिना MCB ये होगा कि अगर बाई चांस इसके अंदर कोई भी शॉर्ट कुछ भी फॉल्ट आ जाएगा तो हमारी ये MCB ट्रिक कर जाएगी, नीचे हो जाएगी, हमारा जो बाकी का सर्किट है या जो भी है वहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं आएगा। इसका फ़ायदा होता है MCB वाले का। तो पानी ठीक ठाक आ रहा है, थोड़ा गर्माना शुरू हो गया है, पर मजेदार नहीं है, इतना उबलता हुआ पानी नहीं आ रहा। मतलब हमें पूरी बाल्टी ही भरनी पड़ेगी, है ना? अब उबल रहा है क्या पानी? ठीक ठाक है, बस कह सकते हैं कि मतलब 1/4 पानी जो है आप ठंडा मिला सकते हैं। जैसे आजकल बहुत ठंड पड़ रही है तो काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। तो चलिए अब जो हम इसके आगे कोई पाइप लगा देते हैं और फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो जैसे इन्होंने बंद कर दिया, ऐसे नहीं करना, आपने पीछे से पहले बंद करना है और फिर टैप को बंद करना है, डायरेक्ट नहीं बंद करना। इसको चलाने से पहले जो है आपको क्या करना है, 2 प्रिकॉशन लेनी है। इसको ऑन करना है टैप को और फिर इसको ऑन करना है पीछे से, और ठीक वैसे ही पहले टैप को बंद नहीं करना, पहले आपने यहाँ से बंद करना है और फिर टैप को बंद करना है। ऐसे ऑटो कट हो जाता है? हाँ, ये ऑटो कट भी हो जाता है, पर फिर भी आप प्रिकॉशन लें अच्छा रहे। फ्रेंड्स, हम वीडियो के नीचे जो है अपने अमेज़न पे स्टोर का लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को जो है खरीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी बना रखी है। हम जो है इसके आगे देखते हैं कौन सी निप्पल लगेगी, और सारी निप्पल ढीली पड़ रही है, तो कोशिश करते हैं कि ये डायरेक्ट ही लग जाए। भाई सावधानी से लगाना है कि टूट ना जाए, तो हम टेप लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम चेक करते हैं कि इसमें पानी कितनी देर में गर्म होता है और पानी का टेम्परेचर कितना आता है। तो ये देखिए हमने एक प्रकार का टाइमर भी लगा रखा है। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है मुझे इसमें पानी शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमारा पानी जाएगा, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था,
तो मैंने टेम्परेरी जुगाड़ कर है ये निप्पल लगा दिया और इस टैप के पाइप से जोड़ दूंगा। ये जोड़ दिया है, अब जो मैं इसको थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ और यहाँ से हमारा पानी बाहर आएगा। इसमें जो है आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि 2 या 3 जो डिब्बे होते हैं वो ठंडे पानी के आते हैं। अब जो है देखिए पानी आने लगा है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और आने वाले टाइम में जो है मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि ये कितना पावर कंज्यूम करता है। और यहाँ मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है तो ये मेरा टाइमर है, इससे आपको पता चल जाएगा कि पानी कितनी देर में गर्म आ रहा है। तो ये देखिए सराउंडिंग टेम्परेचर आप देखोगे 14 डिग्री है और अगर मैं इस पानी का टेम्परेचर देखूं तो 22 हो गया, यानी कि पानी गर्म आना शुरू हो गया है वो भी सिर्फ 40 सेकंड। आपको धीरे धीरे दिखाता जाऊंगा कि पानी कितना गर्म हो रहा है, एक्चुअल में इसमें ठंडा पानी भी मिक्स हो रहा है। इतना पानी का धार आप कम रखोगे, मतलब जितना आप स्लो रखोगे उतना ज्यादा गर्म पानी आएगा। तो मैं ये सारा पानी फेंक देता हूँ जिससे मैं आपको एक्चुअल पानी की रेडिंग दिखा सकूँ। तो ये मैंने सारा पानी लगभग गिरा दिया है जो ठंडा पानी था और अब जो हम फ्रेश जो पानी आया गरम गरम उसका टेम्परेचर आपको दिखाते हैं, इससे आपको एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी। 33 डिग्री के आसपास जो है पानी आ रहा है और हमारा जो है 2 मिनट हो गया है और फिर से मैं टेम्परेचर चेक करता हूँ पानी का। कह सकते हैं कि 2 या 3 पानी के डिब्बे जो हैं वो आपको निकालने पड़ते हैं जो कि थोड़े ठंडे आते हैं या कम गर्म होते हैं। अभी भी 33 दिखा रहा है। अब जो है 3 मिनट हो गए हैं आसपास और अगर अब हम टेम्परेचर देखें तो पानी जो है अभी भी कोसा ही आ रहा है तो थोड़ा और गर्म होना चाहिए। अब जो है फ्रेंड्स पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म आने लगा है, तो आप ये देख सकते हैं टाइमर में 4 मिनट होने वाले हैं। और अगर आपको मैं टेम्परेचर दिखाऊं क्योंकि इसमें ज़्यादातर पानी जो है पहला वाला है मतलब कोसा वाला है तो इससे आपको पता नहीं चलेगा। तो ये 33.9 डिग्री ही दिखा रहा है, 34। या तो मुझे इस पे पानी को फेंकना पड़ेगा बाहर, देखते हैं। अगर आपको ये पानी के जो इससे आ रहा है तो 34 ही दिखा रहा है। तो मैंने जो है पानी की धार को थोड़ा कम कर दिया है और अब पानी जो है काफ़ी गर्म हो गया है तो ये पुराना पानी जो है मैं सारा डिस्कार्ड कर देता हूँ, फेंक देता हूँ और फिर आपको फ्रेश रीडिंग दिखाता हूँ। तो ये देखिए 6 मिनट हो गए हैं और अब मैं चेक करता हूँ कि पानी कितना गर्म आ रहा है इसमें। तो 42 हो गया, जो हमने पानी का फ्लो कम किया है उससे पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि ये 45 या 50 डिग्री तक ही मैक्सिमम पानी गर्म कर सकता है, पर ये प्रोडक्ट जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें सबसे अच्छी बात जो है आपका एक तो स्पेस बहुत कम यूज़ करता है, आप इसको आसानी से किचन में कहीं पर भी लगा सकते हैं। नंबर 2 फायदा जो है आप इसको बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जब आपको जरूरत नहीं है तो पाइप कनेक्शन काट के नॉर्मल टैप बना सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चैनल है सुदेव तनेजा, इसके नीचे आप रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको आपने जस्ट टच करना तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब हो गया। अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट चाहते हैं अपने मोबाइल या टेबलेट पर तो ये बेल वाला आइकन है, इसको आपने टच करना है तो आप जो है सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर या टैबलेट पे आएंगे।